अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलें, आज मैं बना रहा हूँ मूंग की छिलकों वाली दाल की खिचड़ी। ये बहुत ही जल्दी बनती है और आसान है। 2 कप चावल ले लिए मैंने और 2 कप ही दाल ले ली, लेकिन धो के रख दिया। और एक प्याज, मसालों में नमक, एक एक दाना गरम मसाले का, साबुत, ज़ीरा और हरी मिर्चें। चलें, देगची में तेल डाल दिया, अब इसमें प्याज ऐड कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, प्याज ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं ये ज़ीरा, हरी मिर्च और गरम मसाला ये ऐड कर देता हूँ। चलें, अब मैं दाल ऐड कर देता हूँ। ये आधा चम्मच निकलाएंगे, नहीं तो इसके छिलके उतर जाएंगे। चलो, अब पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड कर दिया, 3-4 मिनट तक दाल को पकाएंगे, फिर चावल डालेंगे। चलें, पानी बॉयल हो गया,
अब 3-4 मिनट दाल ऐसे पकने दूंगा, तो बाद में चावल डालेंगे। मैं खिचड़ी थोड़ी नरम रखूंगा। इसलिए दाल थोड़ा पहले गला लेते हैं थोड़ी सी। चलें अब चावल ऐड कर देते हैं। चलने पानी खुश्क होने वाला है, अब इसे थोड़ी देर में दम पे रखूँगा। चले अब मैं दम पे रखता हूँ। इसके नीचे ये तवा दे रख देता हूँ। चले ये देखें मैंने दम पे रख दिया, ये ढक देता हूँ। चले 15 मिनट बाद दम खोलूँगा तो फिर आपको चेक कराता हूँ 15 मिनट बाद। चलें 12-15 मिनट हो गए हैं, अब मैं दम खोल लेता हूँ। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। चलें मैं अब डिश में निकालता हूँ तो फिर आपको चेक करा दूँ। ये देखें मैंने डिश में निकाल लिए। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी के बटन को दबा दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।